समस्तंकु मोर नमस्कार मो नाम शुभश्री ओडिशार ग्रामांचल रे थिबा महिला मानकु ओडिशा जीविका मिशन तरफ एसएचजी मानक पई स्टैंडर्डाइज अधिवेशन विवरणी प्रदान करा जायछि। से अधिवेशन विवरणी रे फॉर्मेट केमिति अछि से फॉर्मेट को एक उदाहरण माध्यम रे बुझिबा। आमे जानिछु जे तळे अधिवेशन रो आमे अधिवेशन विवरणी जे तळे फॉर्मेट बाहर करूछु तो फर्स्ट रहिछि हमर गोष्ठी रो नाम रहिछि तापर रहिछि हमर गोष्ठी रो कोड नंबर। आमे जो एसएचजी रो बा जो गोष्ठी रो अधिवेशन विवरणीटा लिखिबु सर्वप्रथमे आमे से गोष्ठी रो नाम लिखिबु तापरे रहिछि गोष्ठी रो कोड नंबर। गोष्ठी रो कोड नंबर गोटे एनआरएलएम द्वारा आमर सब एसएचजी पई गोटे गोटे कोड रहिछि से कोड नंबर आमको लिखिबा पई हबो। तापरे कोन रहिछि ना अधिवेशन नंबर। अधिवेशन नंबर एसएचजी मानकर ए अधिवेशन विवरणीटा सेटा केते नंबर बैठक रे लेखा होछि सेई अधिवेशन विवरणी गोटे नंबर रहिछि जहाँकि प्रत्येक मासिकिया हो कि साप्ताहिक हो कि पाक्षिक हो एसएचजी अधिवेशन होची से अधिवेशन विवरणीटा केते नंबर अधिवेशन विवरणी रहुची तो सेतिमाई से एसएचजी अधिवेशन नंबर रे आमे केते नंबर अधिवेशन लिखिबु। तापर रहिची तारीख आमे जो एसएचजी अधिवेशन खाता लिखिबु सेटा केते तारीख रे लेखा जाउची तो से आमे ताकू तारीख फॉर्मेट रे लिखिबु। तापर कोन रहिची स्थान से एसएचजी टा को स्थान रे अधिवेशन करूछंती से एसएचजी से जोठि करंतु किबा गोष्ठी रो गृह रे करंतु किबा अंगनवाड़ी केन्द्र रे करंतु किबा पड़िया रे करंतु जोठि से गोष्ठी अधिवेशन करछंती तार से स्थान टिकु आंकु ए स्थान जगह रे देखिबा पई हबो। तापरे कोन रहिछि ना सभा आरंभ समय। सभा आरंभ समय से गोष्ठीटा जो गोष्ठी रो हमर अधिवेशन खाता लेखुछु से अधिवेशनटा कौ समय रे होइछि ताकु एही कलम रे आमे समयटा लेखिबु। तापरे कोन रहिछि ना सभा संग जेहेतु एबे आमे से गोष्ठी रो अधिवेशन स्टार्ट करूचु तो आमको से अधिवेशन केते समय धरी हबो आमको जणा नै जेहेतु आमे सभा संग समयटा एबे लेखि परिबु नै जेतेबेले ई अधिवेशनटा शेष हबो सेतेबेले आमे समय देखि के जानि परिबु जे अधिवेशनटा घंटे किबा 2 घंटा धरी अधिवेशनटा हला तापर जो समय रे सल्ला आमे से समय कोठी लेखि परिबु ई कलम रे। तापर कोन रहिछि ना सभापतित्व करथिले आमर से एसएचजी रो अधिवेशन विवरणी खाता रे जो आमर अधिवेशन बैठक होइतिला सेठे किए सभापतित्व करथिले से नेत्री करंतु किबा सभा संपादिका करंतु किबा अस्थाई सभा नेत्री करंतु जे भी से बैठक सभापतित्व करथिले से सभापतित्व जे करथिले तांको नाम आमे एठी लेखिबा। तापरे कोन रहिछि संकल्पनामा 1। संकल्पनामा 1 रे कोन अछि ना गोष्ठी रो समुदाय सदस्य संख्या केते जो गोष्ठी रो आमे आर्थिक आमर अधिवेशन विवरणी लेखुछु से गोष्ठी रो सभ्य संख्या केते तो एही आमे लेखिबु जे से गोष्ठी रो सभ्य संख्या केते। तापरे कोन रहिछि अनुपस्थित सभ्य संख्या से आमर गोष्ठी रो उदाहरण अनुजाई केते नंबर गोष्ठी रो नाम कोन थिला मा तारिणी गोष्ठी तार अधिवेशन नंबर केते थिला ना अधिवेशन नंबर थिला 10। तापरे कोन अछि ना तारीख से एसएचजी का 10 नंबर अधिवेशन कोउ डेट रे होइतिला कोउ तारीख रे होइतिला आमर उदाहरण अनुजाई मा तारिणी 10 नंबर बैठकटा 10/4/2022 रे होइतिला सेटा स्थान तपर अछि सेटा कोउ स्थान रे होइतिला ना सेटा तासे अधिवेशनटा सभा नेत्री को घरे होइतिला। गोष्ठी रो कोड नंबरटा एनआरएलएम पटाउरेल आमर अपलोड हिछि तार कोड नंबर थिला 6728। तापे कोन थिला ना सभा आरंभ समय से गोष्ठीटा मा तारिणी गोष्ठीटा कोउ समय रे से बैठक को आरंभ करथिले से अपराह्न 4:00 रे आरंभ करथिले सभा संग समय आमे माने जे जेहेतु अपराह्न 4:00 रे एबे बैठक आरंभ करूछु तो बैठकटा केते समय धरी हबो सेटा आमको जणा नै जेतेबेले बैठकटा सरीबो से समय आमे देखिकी ए पकेइबो ए फॉर्मेट रे एबे आमे फाका रखतु। तापर सभापतित्व किए करथिले ना से बैठक रे मा तारिणी एसएचजी रो बैठक रे सभा नेत्री मुक्ता नायक सभापतित्व करथिले ते एबे आमे ए सभापतित्व ना रे सभा नेत्री को ना लिखिबु मुक्ता नायक। तापे आमे एबे संकल्पनामा एकुजु गोष्ठी रो समुदाय सदस्य संख्या केते मा तारिणी एसएचजी रो समुदाय सदस्य संख्या होचंती 11 आमे ए कलम रे पकेबु। तापे से कोन अछि ना अनुपस्थित सभ्य संख्या केते से मा तारिणी एसएचजी जो 10/4/2022 रे बैठक नंबर 10 रे केते जण सभ्य अनुपस्थित थिले आमे गोष्ठी रो समुदाय सदस्य संख्या थिले 11 जण अनुपस्थित संख्या थिले 1 समुदाय उपस्थित संख्या केते थिले गोष्ठी रो जेहेतु 11 जण सदस्य थिले अनुपस्थित संख्या केते थिले 1 थिले तेहु आमे जानलु जे 10 जण सभ्य उपस्थित थिले। उपस्थित सभ्यक नाम एवं कारण विषय रे आलोचना करिबा
ସେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯେଉଁ ଜଣେ ସଭ୍ୟା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ବୈଠକରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ସଭ୍ୟା ଜଣକ କାହିଁକି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କାରଣ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ଅନୁପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟା ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମୀନା ନାୟକ। କାରଣ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭ୍ୟା ମୀନା ନାୟକ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କାରଣ ଲେଖିବା। ମୀନା ନାୟକଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସଂକଳ୍ପନାମା ଦୁଇକୁ। ସଂକଳ୍ପନାମା ଦୁଇରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କେତେ ନମ୍ବର ଅଧିବେଶନ ଲେଖୁଛୁ, ଆମେ 10 ନମ୍ବର ଅଧିବେଶନ ଲେଖୁଛୁ, ମା ତାରିଣୀ ବୈଠକର 10 ନମ୍ବର ଅଧିବେଶନ ଲେଖୁଛୁ। ତ 10 ନମ୍ବରର ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନ କେତେ ନମ୍ବର ରହୁଛି ନା 9 ନମ୍ବର ଅଧିବେଶନ ରହୁଛି। ତ 9 ନମ୍ବର ଅଧିବେଶନରେ କ'ଣ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ହେଇନାହିଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ପୂର୍ବ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା। ଯେହେତୁ 9 ନମ୍ବର ବୈଠକ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ସରିଯାଇଛି, ଆମର ନିହାତି କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ପୂର୍ବ ବଳକା ଜମା ଆମ ପାଖରେ ଥିବ ମାନେ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ବଳକା ଜମା ଥିବ। ତ ଆମେ ପୂର୍ବ ବଳକା ଜମା କେତେ ଥିଲା ନା 110 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆମେ ଲେଖିବୁ ପୂର୍ବ ବୈଠକର ପୂର୍ବ ବଳକା ଜମା 110 ଟଙ୍କା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଯଦି ଆଉ ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥାଏ, ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ତାଲିମ ବିଷୟରେ ହେଉ, ଯାହା ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ହେଇଛି, କିମ୍ବା ସେ ପୂର୍ବ ବୈଠକରେ ଯଦି କିଛି ସଞ୍ଚୟ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରିଥାଉ, SHG ଯଦି ଋଣ କିଛି ନେଇଥାଏ ତ ନିହାତି ମୂଳ ସୁଧ ପରିଶୋଧ କରିଥିବେ, ସେ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରାଯାଇଥାଏ ତ କେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଜମା କରାହେଇଥିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା କରାହେଇଥିଲା, ତା'ର ସ୍ଲିପ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବୁ। ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଂକଳ୍ପନାମା 3। ସଂକଳ୍ପନାମା 3ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମର ସଞ୍ଚୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଲମ କ'ଣ ଅଛି ନା ଜମାକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମୋଟ ଜମାର ପରିମାଣ। ଆମର ସେ ମା ତାରିଣୀ SHG ସେ ବୈଠକରେ 10 ଜଣ ସଭ୍ୟା ସଞ୍ଚୟ ଦେଇଥିଲେ, 10 ଜଣ ସଭ୍ୟା 50 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସଭ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ, 10×50 ମୋଟ ରହୁଛି 500 ଟଙ୍କା। ତାପରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସଞ୍ଚୟ ଜମାକାରୀ କିଲାପି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସେ ବୈଠକରେ ମା ତାରିଣୀ SHG ସଞ୍ଚୟ ଦେବାକୁ ଥିଲା ଏଇ ସଭ୍ୟା ସଞ୍ଚୟ ଖିଲାପି ଅଛନ୍ତି କି, ସଞ୍ଚୟ ଜମାକାରୀ ଖିଲାପି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନାମ ଓ କାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବୈଠକରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ନା ମୀନା ନାୟକ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ବୈଠକରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଆମର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସଞ୍ଚୟ ଖିଲାପି ହେଇଥିବେ ହଁ ନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତେଣୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ମୀନା ନାୟକ। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କାରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖିଲାପି ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା ତେବେ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସଂକଳ୍ପନାମା 4କୁ। ସଂକଳ୍ପନାମା 4ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଋଣ ଫେରସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ସେ ମା ତାରିଣୀ SHG ସେ ବୈଠକରେ କେତେଜଣ ସଭ୍ୟା ଋଣ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମୂଳଧନ ବାବଦକୁ କେତେ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସୁଧ ବାବଦକୁ କେତେ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମୋଟ କେତେ ଋଣ ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମା ତାରିଣୀ SHG ସଭ୍ୟା ସୀମା ନାୟକ ମୂଳଧନ ବାବଦକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁଧ ବାବଦକୁ 500 ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତ ଗୀତା ନାୟକ ବି ସେମିତି ମୂଳଧନ ବାବଦକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁଧ ବାବଦକୁ 400 ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଋଣ ଫେରସ୍ତକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଲେଖିବା ନା 2 ଲେଖିବା। ମୂଳଧନ କେତେ ଲେଖିଲେ, 2 ଜଣ 2,000, 4,000 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଧ ବାବଦକୁ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ଜଣେ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା 400 ଟଙ୍କା, ମୋଟ ରହିଲା 900 ଟଙ୍କା। ମୋଟରେ କେତେ ହେଲା ନା ମୂଳଧନ ବାବଦକୁ 4000, ସୁଧ ବାବଦକୁ 900, ମୋଟର ଋଣ ଫେରସ୍ତ ହେଇଛି ସେ ବୈଠକରେ 4,900 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ସଂକଳ୍ପନାମା 5କୁ। ସଂକଳ୍ପନାମା 5ରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଋଣ ଖିଲାପି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଋଣ ଖିଲାପି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସେ SHG ସେ ବୈଠକରେ ଯଦି କିଏ ଋଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବାର ଥିଲା, ସେ କେତେ ମୂଳଧନ ଦେବାର ଥିଲା, କେତେ ସୁଧ ଦେବାର ଥିଲା, ମୋଟ କେତେ ଋଣ ଦେବାର ଥିଲା, ସେ ଯଦି ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖିଲାପି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଲେଖିବା ସେ କେତେ ଜଣ ସଭ୍ୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା ସେ ମା ତାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଜଣେ ସଭ୍ୟା ମୀନା ନାୟକ ସେ ବୈଠକରେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସେ ମୂଳଧନ ବାବଦକୁ 2000 ଟଙ୍କା, ସୁଧ ବାବଦକୁ 500 ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ପକେଇବା ମୀନା ନାୟକ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ ଜାଗାରେ ମୂଳଧନ ବାବଦକୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦେବାର ଥିଲା,
मीना नायक मूलधन बाबद को ताको केते दबा थिला 2000 टका दबा थिला सुध बाबद को केते दबा थिला ना 500 टका दबार थिला मोट से ए पर्यंत केते खिलापी अछंती से बैठक रे कोन छि ना से बैठक रे मीना नायक केवल यही बैठक में थे ऋण खिलापी अच्छा ना पूर्व बैठक में से केतर ऋण खिलापी अच्छा से एस एच जी बैठक अनुजाई मीना नायक केवल यही मसण परिशोध करना पूर्वर किस्ती अनुसार ऋण सुध मूल सुध परिशोध कर तेणु एपर्त के खिलापी अच्छा मोट जगह के लिखा ना से एपर्त थे ऋण खिलापी अच्छा तो खिलापी परिमाण मूलधन बाबद को 2000 टाँचा सुध बाबद को 500 टाँचा मोट परिमाण है 2500 टाँच तो आम एवं कलम को मोट करवा खिलापिकारी ना किसी ना मूलधन बाबद को के 2000 टाँचा सुध बाबद को के 500 टाँचा मोट से पर्यत के खिलापी अच्छे 2500 टाँच एवं आम संकल्पनामा छु संकल्पनामा छ कौन अच्छी नूतन ऋण बरणी निम्न प्रकार निर्णय करागला तो से बैठक में नूतन ऋण पर किसी सभ्या आवेदन कर उद्देश्य नेबे केते टंका नेबे तो किसी आवेदन होती तो फॉर्मेट अनुसार कौन अच्छी ना क्रमिक संख्या आ सभ्या ना जी आवेदन करें ना कौ उद्देश्य नहींते परिमाण नहीं मंजूर के ऋण फेरस्त किस्ती के तो से बैठक सभ्या किए थे ना पुष्पलता नायक थे से कौन कर झीर ड्रेस किनापी 2000 टंका सभ्या को से बैठक में आवेदन कर सभ्या थी ना किए ना कविता नायक सी कुकुड़ा पालन पर 3000 टंका एसएचजी को आवेदन करें लिखा क्रमिक संख्या एक कविता नायक सभ्या को ना जगह आम लिखिले कविता नायक से क्यों उद्देश्य ऋण आवेदन करते से कुकुड़ा पालन पर ऋण आवेदन करते उद्देश्य आम लिखा कुकुड़ा पालन ऋण आवेदन के ना ऋण आवेदन थी 3000 टंका से आवेदन करते आउ किए सभ्या थे ना पुष्पलता नायक प्रमितर टू पुष्पलता नायक कौन से कौ उद्देश्य ऋण आवेदन करते ना ड्रेस किनापी केत टा से आवेदन करते 2000 टाँच आवेदन करते ऋण परिमाण जगह आम लिखा 2000 कौन कलम अच्छी ना ऋण मंजूरकारी प्रदान से बैठक में सभ्या मैंने निष्पत्ति ने कविता नायक को कुकुड़ा पालन पर 3000 टंका ऋण प्रदान करेंगे और पुष्पलता नायक को आसंता बैठक बैंक रु उठाई ड्रेस किनापी 2000 टंका देते तो ऋण मंजूर के बैठक अनुसार कविता नायक को कुकुड़ा पालन पर 3000 टंका ऋण मंजूर कराला मंजूर जगह रोज 3000 टंका पुष्पलता नायक को ड्रेस किनापी जेहेतु यही बैठक में मंजूर कराइनी तेणु दार दिया आसंता मस ऋण फेरस्तकारी किस्ती परिमाण से जे कविता नायक 3000 टंका ऋण ने से बैठक में पचार गला 3000 टंका कतोटी किस्ती सुझे किस्ती परिमाण अनुसार सुझे बैठक निष्पत्ति अनुजाई एक शतकड़ा सुधरे 3000 टंका ऋण दिगला से 10 किस्ती 3000 टंका परिशोध करियो बोली बैठक में अवगत कराए तेणु 10 किस्ती हेल्ले आम किस्ती प्रति के पड़ी ना 3000 हरण 10 किस्ती प्रति आम पड़ी 300 टंका एवं आम मोट करवा केम ऋण आवेदन परिमाण के 5000 टंका ऋण मंजूर प्रदान के आवेदन थी 5000 टंका कि बैठक में 3000 टंका मंजूर कराला ऋण फेरस्त किस्ती परिमाण ऋण फेरस्त किस्ती परिमाण के 300 टंका रहा आसंता मस को ऋण फेरस्त किस्ती आम 300 टंका रे आम जा संकल्पनामा 7 को संकल्पनामा 7 रे कौन अच्छी ना जमा उठाण सम्बन्धी निष्पत्ति संकल्पनामा 7 रे जदि बैंक रु कौन जमा होती बैंक ऋण किसी फेरस्त हो ग्राम पंचायत स्तर संघ में जदि किसी संचय होती ग्राम पंचायत स्तर संघ को ऋण फेरस्त जदि किसी कि बैठक में किसी हाथ जमा अच्छी कि अन्यान्य देय जदि किसी से बैठक में बैंक ग्राम पंचायत स्तर संघर जदि से बैठक में किसी उठाण कराई कि जमा होती कि उठाण सम्बन्धी जदि किसी निष्पत्ति नि तो कौन रही से जब जमा आम बैंक जमा होती तार परिमाण के दायित्व किए अच्छा कार्यकारी दिवस कौन अच्छी त
तो फॉर्मेट अनुजाई आम से एसएचजी रो उदाहरण अनुजाई से बैठक रे एसएचजी रो केते टंका सोचो हिला बैंक रे ना 2000 टंका सोचो हिला परिमाण रे आमे लिखिबा 2000 टंका दायित्व रे थिबा सभ्यकना ना से बैठक रे सभानेत्री को दायित्व दिया जैतिला एले आमे सभानेत्री को ना लिखिबा कार्यकारी दिवस हिला ना से बैठक रे थिला जे आसंता 29/4/2022 रे से टंका को सभानेत्री को दायित्व दिया हिला बैंक रे जमा करिया पई तले कार्यकारी दिवस आमे केते लिखिबा 29/4/2022 तापर कलम कोन अछि ना बैंक ऋण फेरस्त से सेति रो बैंक ऋण किछि फेरस्त नथिला आमे सेति गार देबा कार्यकारी दिवस बे किछि नथिला कार्यकारी बिनि गार देबा आमे आमर दायित्व रे सभ्यकर बि किछि नथिला गार देबा तापर कोन अछि ना ग्राम पंचायत स्तरीय संघर संचय से बैठक रे ग्राम पंचायत स्तरीय संघ रे किछि संचय होइथिला कि हां होइथिला से बैठक रे जेहेतु सेटा फाइनेंशियल आरंभ जे आर्थिक वर्ष आरंभ एप्रिल 1 रे से कोन हिथिला ना ग्राम पंचायत स्तरीय संघ को से सभ्य रिन्यूअल फी बाबत को 100 टका और सभ्य देव से मासर सभ्य देव बाबत को 20 टका प्रदान करथिले तबे हम संचय रे कोन लिखिबा ना ग्राम पंचायत स्तरीय संघ रे 120 टका ताको दायित्व रे किए थिले ना काकू देखिले से बैठक रे ना सीआरपी सीएम थिले कार्यकारी दिवस ना आसंता महासंघ बैठक से प्रदान करेंगे आसंता बैठक तापर थिला कौन ना ग्राम पंचायत स्तर को ग्राम पंचायत स्तरीय संघ को ऋण फेरस्त से बैठक में ग्राम पंचायत स्तर कौन ऋण फेरस्त हो ना दायित्व में थी कौन सभ्य नए कार्यकारी दिवस भी किसी तापर कौन अच्छी ना हाथ जमा जेहेतु आम एवं सुधा कौन हाथ जमा पाइन तेज़ हाथ जमा कलम फांगा रखु जो आम आज बैठक में समुदाय प्राप्ति और प्रदान को माइनस कला जो संख्या बाहर से हाथ जमार रखे थी कौन ना अन्यान्य देय अन्यान्य देय से बैठक में किसी नाला तेज़ परिमाण भी किसी नाला दायित्व में सभ्य कई ना कार्यकारी दिवस भी थी कौन रही कल ना बैंक ग्राम पंचायत स्तरीय संघ रु ऋण उठाण जे पूर्व बैठक में से बैठक में पूर्व संकल्पना मैंने से कौन करते ना से बैठक में जे सभ्या ड्रेस ऋण आवेदन करते कत ऋण आवेदन करते 2000 टका ऋण आवेदन करते कि बैठक निष्पत्ति अनुसार आसंता बैठक में दिजाई कहुई तेणु एवं कौन पकेबा ना से बैठक में निष्पत्ति अनुसार परिमाण के 2000 टका सभ्या दायित्व किए थे ना नेत्री को दायित्व दिया से आसंता बैठक में बैंक जा टा को उठाण कर सभ्या को दे कार्यकारी दिवस के आसंता बैठक में जब बैठक हम से बैठक से उठे देवे एवं कौन अच्छी ना संकल्पनामा 8 संकल्पनामा 8 रे कौन अच्छी ना आज बैठक समुदाय प्राप्ति मोड आज बैठक में समुदाय केते टंका प्राप्ति होई छी आ केते टंका प्रदान होई छी एबे आमे देखिबा जे ए मासरे केते टंका प्राप्ति होई छी एबे आमे कौन करिबा ना आज समुदाय प्राप्ति को मोड करिबा प्राप्ति केते थिला ना पूर्व बैठक हाथ जमा केते थिला ना 110 टंका प्लस से ही बैठक में थी सभ्या देह संचय बाबद को 5 जन सभ्या 50 टाँह लेखाएं 500 टाँह थिला प्लस आभ्यंतरीण ऋण बाबद को जो परिशोध होता मूलधन बाबद को 4000 टाँह सुत बाबद को 900 टाँह मोट है 4900 टाँह मोट्रे आमर 5510 टाँह आम ये कौटि लिखा ना समुदाय प्राप्ति टकर 5510 टाँह आम जानी प्राप्ति सामान प्रदान तेरे आम प्राप्ति टंका को प्रदान रे भी लिखू लिखू ना 5510 कौन अच्छी ना एबे आम देखू जे गत मसर गत बैठक 5500 टंका प्राप्ति होती तो से मसरे जेहेतु 5500 टंका प्राप्ति होती से बैठक आम के प्रदान करू एबे आम के बाहर करूँ से बैठक आम के संकल्पनामा 6 आम दे जन सभ्या कुकुड़ा पालन आम देते 3000 टंका प्लस बैंक संचय थी आम 2000 टंका प्लस के आमर महासंघर संचय थी 120 टंका टोटाल के 5120 टंका 5120 टंका तो जेहेतु आम आम प्राप्ति होता 5510 टंका आउ आम प्रदान कलु 5120 टंका 5510 टंका
माइनस 5120 टंका केते हला ना 390 टंका एबे आमी पाई गलु हमर हाथ जमा रहिला हमर हाथ जमा केते रहिला ना 390 टंका 390 टंका हमर कार्य दायित्व रे काहा को रखा गला ना से बैठक रे सभा नेत्री को दायित्व रे 390 टंका रखा गला तेनो आमी लेखिलु सभा नेत्री कार्यकारी दिवस ना कार्यकारी दिवस आमे सेही बैठक रे निष्पत्ति निया गला जे सभा नेत्री को पाखरे ए टंका तक रहिला तो आसंता बैठक रे से एई हाथ जमा को आमे पूर्व बळका जमा भाबे नबु 10/4/22 आमे देदु कार्यकारी दिवस तो एई बैठक रे हाथ जमा सभा नेत्री को दायित्व रे रखा गला तापरे रहिछि कोन ना संकल्पनामा न संकल्पनामा रे कोन अछि न रे कोन अछि ना विविध पाठ आलोचना आमर ए बैठक रे अर्थ सम्बन्धीय जति कि सब आमे आलोचना करलु देन नेन अर्थ आमर टंका सम्बन्धीय जति कि आलोचना करा गला तापरे आउ जो रहुछि अण अर्थ जो गुडा रहुछि जहा कि आमे से बैठक रे आलोचना करथिलु जे कोन आमर स्वच्छता विषय रे होउ किमा आमर मो उपकारी बगीचा न्यूट्री गार्डन विषय रे होउ यदि अन्य अन्य किछि आमे आलोचना करथौ विविध पाठ रे आमर संकल्पनामा न रे ताकु लेखा एबे आमे 9 नंबर रो संकल्पना पा नर विविध पाठ आलोचना को आम जो बैठक में जो आलोचना कलु जो विषय से विषय आम विविध पाठ आलोचन लिखिदेल आलोचना प्रथम कौन आलोचना होता ना स्वच्छ भारत शौचालय व्यवहार विषय आमर क्रमगत भाव में मो उपकारी बगीचा करने संबंध में तो आम 9 नंबर विविध पाठ आलोचन लिखिदेल कौन रही डाण सैड से खातार फर्माट्रे अच्छी डाण सैड्रे समस्त सभ्य स्वाक्षर तो सभा नेत्री संपादिका सह से बैठक में जिते जन सभ्या उपस्थित अच्छा से स्वाक्षर रोक तले रामे जाए 10 नंबर संकल्पनामा को 10 नंबर संकल्पनामा कौन अच्छी सभार समस्त बरणी को स्वच्छ भाव में पाठ करी समस्त स्वाक्षर नहीं सभा नेत्री ए बैठक में उपस्थित या समस्त सदस्य को धन्यवाद अर्पणपूर्वक बैठक में सांग करेंगे 9 नंबर संकल्पनामा जे जे खाता लेखाड़ी जे खाता लिखिंट से कौन करेंगे जो जो सब बरणी खातें लिखाई ताकू समस्त स्वच्छ भाव में समस्त सामने पाठ करेंगे पाठ कर सारापर समस्त धन्यवाद दे से बैठक को सभा सांग करेंगे सर्वशेष कौन रही संपादिका स्वाक्षर आ सभा नेत्री स्वाक्षर से बैठक में से एस एच जी जी सभा नेत्री कि संपादिका अच्छा स्टाफ सीट सहित दस्तखत मारे तो ये आम जानलू जो एस एच जी अधिवेशन बरणीटा केमी लिखा जाए।